सतारा में एक जंगली सुअर ने किसानों का फसल तबाह कर दिया। शख्स, ऐसी खबरें हमें रोज सुनने में आती है। किसानों को जंगली सुअर, नीलगाय, हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे जानवरों की वजह से लगभग 30% नुकसान होता है। किसानों इन लॉसेस को झेलने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसेस, शॉक मशीन्स, गन्स, केमिकल्स और क्रूड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से जानवरों की मौत हो जाती है। हाल ही में ही चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में एक हाथी की मौत हो गई थी इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से। पर क्या इसमें किसानों की कोई गलती है जो अपना खेत बचाना चाहते हैं, या उन जानवरों की कोई गलती है जो खाने की खोज में वो खेत में चले जाते हैं? नहीं, दोनों अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया उतनी ही जानवरों की है जितनी हमारी। पर इस बड़े से प्रॉब्लम का कोई सलूशन तो होना चाहिए जिससे दोनों किसान और जानवर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके, और उस सलूशन को हमने कटिदन के द्वारा बनाया है। नमस्ते शार्क्स, मैं आयान हूँ और मैं कटिदन का फाउंडर हूँ। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एक प्रदर्शन देखा था, कटिदन में हमने एक परावृक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर्ड ऑटोनॉमस लाइट डिटरेंट सॉल्यूशन, जो ऑटोमेटिकली जैसे सनसेट हो जाता है ऑन हो जाएगा और पूरी रात अलग अलग पैटर्न्स में चमकेगा और सनराइज होते ही ऑफ हो जाएगा। तो जानवरों को ये चमकने के पैटर्न से देख के डर लगता है और वो उस खेत में नहीं आते। कटिदन ने अभी तक 1300 फार्म्स और एग्रीकल्चर लैंड्स में भारत में जानवरों से बचाया है। इसके अलावा हम बंदरों को दूर करने के लिए साधारण में एक बायोकॉस्टिक साउंड सिस्टम भी बना रहे हैं और एक AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारी आस्क आपसे 1.5 करोड़ की है और 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, अब किसान भी खुश रहेंगे और जानवर तो अपने मौज में ही है। लग सा डेमो था, कभी हुआ नहीं ऐसा हमारे साथ। अच्छा, थैंक यू, अच्छा लगा। आप इसमें आप क्यों घुसे? मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में था। मैं है ना काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स IoT सॉल्यूशंस बनाते रहता था, तो मुझे एक प्रॉब्लम रिसीव हुआ था फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड के ना ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लद्दाख एरिया में। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप बना के दिया उनको 6 से 8 महीने के लिए, वो काम कर गया। देन मैंने थोड़ा बिजनेस रिसर्च किया टू फाइंड आउट कि इसका कोई मार्केट बना है या कोई इसका कोई सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, डिमांड तो बहुत है। तो तब मैंने सोचा कि बट इसमें IoT रिलेटेड काम है कुछ ऐसा कर। इसमें हमने IoT नहीं डाला है, इसके फर्स्ट वर्जन में हमने IoT डाला है। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? मैंने बैंगलोर से पढ़ाई की है। I've done my mechanical engineering BTU से। Which year? 2012। और उसके बाद? उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोफेशनल कोर्स किया है 2014। ठीक है, फिर उसके बाद आई बीन वर्किंग। कहाँ पे? मेरा एडटेक रोबोटिक्स और कंज्यूमर रोबोटिक्स में एक्सपीरियंस था। विच कंपनी? मिलाग्रो। मिलाग्रो रोबोट्स? यस। कब से कब काम किया आपने वहाँ पर? आई वाज देयर फ्रॉम 2015 टू 2017। अच्छा, और उसके बाद ये कंपनी शुरू की? राइट आफ्टर। तो आप ये 6 साल से कर रहे हैं? यस। और कितने प्रोडक्ट्स हैं राइट नाउ? एक ही है आपके पास? दो है। अच्छा। इसके यूज, बट इसके अलग वर्जन है जिसको हमने मार्केट में लॉन्च नहीं किया, बना के रखा है। आप पले बड़े कहाँ पे? बैंगलोर में? यस, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। कटिदन का मतलब क्या है? ये एक amalgamation है, कठिन समाधान। So, solutions for complex problems. मुझे तो ऐसा लग रहा है पैसे काट रहे हो कटिदन। कटिदन थोड़ा confusing हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में और बताइए, और ऐसा कुछ है क्या कि रात को ज्यादा जानवर आते हैं खाने? Yes. के लिए पर नीलगाय एंड सुअर ही करते हैं ना जनरली? सबसे ज्यादा इंडिया में वाइल्ड बोर नंबर 1 होता है, नीलगाय सेकंड होता है, फिर हाथी, देन बंदर होता है। अच्छा। तो ये परावृक्ष है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये मेजरली हमने किसानों के लिए बनाया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि किसान इसको खुद इंस्टॉल कर सके। और इस पे एक लाइट सेंसर है, जैसे ही सन सेट हो जाता है ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। Right. ये चारों LED अलग अलग पैटर्न्स में फ्लैश करेंगे। We have programmed it such a way that they don't repeat. Why they should not repeat is because animals should not get used to it. हमने यहाँ पे एक मोशन सेंसर नहीं डाला, बिकॉज मोशन सेंसर में क्या होता है, एनिमल को पास में आना पड़ता है। तो जब वो पास आता है देयर आर चांसेस कि उसको पता चल जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज ऑल द लॉजिक वी हैव एडेड इन दिस विद अ वेरी बिहेवियरल डिजाइन अप्रोच। काफी एरियाज में जैसे कर्नाटका में 3 साल से यूज हो रहा है और हाथी बिल्कुल आना बंद कर दिया। आप ये नहीं समझते हो कि आफ्टर फ्यू इयर्स हाथी इवॉल्व होके यूज्ड टू हो जाएंगे? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। तो उसके लिए हम सजेस्ट क्या करते हैं कि बिकॉज़ वी आर प्लेइंग विद द बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो राइट नाउ द मशीन यहाँ पे खड़ा है, हाइट चेंज कर दो। तो नहीं, पोजीशन चेंज कर। अच्छा अच्छा, जस्ट शिफ्टेड बाय 15 सेंटीमीटर। ओवरऑल उससे इतना फर्क पड़ जाए? पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्चुअली इसका टेक्नोलॉजी इज नॉट द फ्लैशिंग, इट इज अ डिजाइन। मतलब जो आप ऐसे अगर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, दिखा दो थोड़ा, आप पास ले आओ या पास ले आओ या हम आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूं। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ फेस एंड टू आईज। ओह नो,
उनको लगता है कि ऊपर एक बड़ा उनसे जानवर है। Yes, yes, right? That's why different heights. Exactly. Can you see? हाँ, I have to cover the sensor. हाँ, अब तो हो गया। Wow. हाँ, ऐसा लग ही रहा है। तो ये अपने आप चल गए थे सारे। अपने आप। ऐसे सिर्फ लाइट से डिटरेंट हो जाता है। लाइट से डिटरेंट। इसमें से कोई साउंड भी आता है? इसमें नहीं है साउंड, इसमें मैं अभी प्ले कर देता हूँ। तो दोनों साथ में यूज करना होता है? नहीं, सिर्फ लाइट। साउंड तो डिस्टर्ब करेगा लोगों। एक तो डिस्टर्ब है और एक दे कैन गेट यूज्ड टू इट मच फास्टर देन लाइट। साउंड का क्या वैल्यू है? ये बहुत वैल्यू है। अलग डिवाइस। ये अलग डिवाइस है, मैं आपको बताता हूँ। इफ आई कैन एक्सप्लेन द हाइट्स, ये इसलिए क्योंकि ये हाथी के लिए। ये हो गया आपको, ये भी हाथी के लिए, छोटे हाथी के लिए। यहाँ पे आ गया नील गाय, शेर, ये हो गया लेपर्ड और ये हो गया वाइल्ड बॉल। सेकंड प्रोडक्ट के बारे में वो साउंड वाले। तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया, इसमें मोशन सेंसर है। तो ये क्या करता है, बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड, तो आवाज क्या निकाल रहा है? इसके अंदर है ना अलग अलग आवाज डाले, कुत्तों की आवाज, लेपर्ड ग्राउल, टाइगर ग्राउल, देन गनशॉट वूंड्स, क्रैकर बर्स। ये मेजरली हमने बंदरों के लिए बनाया है, क्योंकि मंकीज आर स्केर्ड ऑफ लेपर्ड्स, टाइगर्स एंड गन शॉट्स वगैरह, तो उस हिसाब से। एंड द होल पॉइंट इज एनिमल शुड कम इन अ रेंज ऑफ 12 to 15 feet। ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है? ये डिप्लॉयड है, बट ये अभी लॉन्च किया है। ये एक्चुअली छोटा वर्जन हमने बनाया है क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए। हमारा एक अभी वीडियो है ना वायरल, 6 million व्यूज हो गए थे। तो वहां से फार्मर्स डायरेक्टली स्टार्टेड कॉलिंग फ्रॉम एवरीवेयर। 6 million व्यूज। यस। ये कौन सा वीडियो है जी? तो मैम आपने ये क्या प्रोडक्ट लगा रखा है, इसका क्या फायदा है? ये मुझे स्वयं शिक्षण की तरफ से मिला है और ये प्रोडक्ट मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ। जो किसान भाइयों को हमको रात में टॉर्च लेके खेत में जानवरों की अड़चन से घूमना पड़ता है, तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको रात भर जागने की जरूरत नहीं है। एक एक एकड़ के लिए ये एक प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम करता है और एक हेक्टर के लिए ये 2 से 3 प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। तो आप जिस किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट चाहिए वो दिए हुए नंबर पे इसको कॉल कीजिए और ये प्रोडक्ट मंगवा लीजिए और जो अड़चन है उसको दूर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। कहाँ का ही? ये लातूर। लातूर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या प्राइस है ये? 9500। ये 5000 पे। ये महंगा नहीं है फार्मर्स के लिए? थोड़ा है, बट हम अब अनफॉर्चुनेटली हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है, सो इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाता है। तो ये बताएंगे कि जहाँ डिप्लॉय हुआ है कि फार्मर्स को कितना बेनिफिट हुआ कि क्रॉप नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, परसेंटेज में कुछ है? यूजुअली 30% लॉस होता है एवरेज। 30% ऑफ व्हाट? सीजनल क्रॉप्स जो बनाते हैं। स्मॉल होल्डिंग फार्मर के लिए कितना कमाई हो जाती है लगभग? एरियाज पे डिपेंड करता है। मैं भी एक केस बताता हूँ उड़ीसा का। हाँ, केस से बताइए बेहतर होगा। रायगढ़ में है। देखिए मेरा मानना है आपको फंडिंग मिलेगी और आपने रायगढ़ में ये सोल्यूशन लगा दिया तो आपकी 1 साल की डेट भी माफ हो जाएगी। वाओ, थैंक यू। बट ठीक है, वापस। तो एक फार्मर था, उनका इनकम है ना अराउंड 60-70,000 रुपीस होता था फॉर अबाउट 3 months एक क्रॉपिंग सीजन में। एंड देवर ही वॉज लूजिंग अबाउट 40,000 रुपीस ओनली बिकॉज ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो उन्होंने हमारा सोल्यूशन लगाया और ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर देवर एलिफेंट्स आए नहीं। तो हमने फिर उनको पूछा कि उनकी इनकम क्या हो गई, तो उन्होंने बोला इट वेंट अप टू 1.3 lakhs फ्रॉम 70,000। तो पेबैक बहुत जल्दी हो गया। हाँ, थोड़ा रेवेन्यू बिजनेस बता दीजिए कितना business, रेवेन्यू। अच्छा, अभी तक हमने ग्रॉस 1.8 किया है इस साल। नहीं, इस साल नहीं, ओवरऑल लाइफटाइम। हमने प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया। ईयर वाइज बताओ। 2020 से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा 12 lakh था, सेकेंड ईयर 18 lakh, तीसरा साल वाज लास्ट ईयर 60 lakhs। अरे वाह। इस साल प्रोजेक्शन इज 1.5। और अभी तक कितना हो गया ये साल में? अभी तक 18 हो गया है। 18 हो गया है? नहीं, तो अभी बता दो, रिसीवेबल्स 53 है। समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या हो रहा है। ऑल्दो द प्रोडक्ट एंड यूजर इज अ फार्मर, मेजरली है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। तो उसमें B2G एंड B2B है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा एक साथ है ना क्यूमुलेटिव ऑर्डर आता है। फिर भी समझ में नहीं आया मुझे, कितना रेवेन्यू है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 18 लाख। तो ये 53 लाख जो आप बोल रहे हैं, yes. ये क्या आंकड़ा है? 53 लाख में 35 लाख इज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू जो आया है जो आपने सर्विस नहीं किया, सर्विस कर, समझ गए। और ये क्या पेमेंट इसी साल में हो जाएगा? 2 weeks में आ जाएगा। अच्छा, और बाकी 18 लाख का ये अलग है, ये ग्रांट है। अभी हमने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से जीता है फॉर दैट AI पावर्ड सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया। लेकिन उसको रेवेन्यू बोल सकते हैं? रेवेन्यू थोड़ी है, टोटल ठीक है। हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया 13 लाख। आपने 1.5 crore रुपए क्यों मांग लिया हमसे?
जितने की आपकी सेल है। हमको एक मार्केट सेगमेंट क्रिएट करना है, तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर एक सेगमेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा उसका वैल्यूएशन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा मार्केट का। अच्छा, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, नॉट वैल्यूएशन, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा उस मार्केट का, बाय गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड आल्सो बाय गिविंग क्वालिटी सर्विस वगैरह। तो वैल्यू तभी बढ़ेगा जब हमें पता है कि इसका स्केल कितना है। अगर आप टाइम पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, सॉरी, इसमें नहीं पूछेंगे, हमें पता है इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, बोल दो आप फिर भी। We are one of the first ones to do it. So, और भी लोग हैं मतलब? इंडिया में दो लोग हैं। अच्छा, कंपटीशन पे आते हैं। मार्केट साइज क्या बताया? 1,000 crores है इंडिया में। 1,000 crores इंडिया और वर्ल्ड वाइड 17,000। अच्छा, कंपटीशन के बारे में आपने कहा कि आपके जैसे एक और कंपनी भी है। हाँ। वो कौन कंपनी है, क्या साइज है, उनके क्या प्रोडक्ट है, थोड़ा बताएंगे? वो क्या करते हैं, लाइट और साउंड को मिक्स करके बनाया है, बट उन्होंने बिहेवियरल डिजाइन एस्पेक्ट्स नहीं डाला है। इस कंपनी का नाम क्या है? क्यारी। उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट कैंपिंग के लिए जो प्रोडक्ट लेके आए थे वो टू वार्ड ऑफ एनिमल अटैक्स, वो वाला प्रोडक्ट दिखाया था उन्होंने। वो कैंपिंग स्टिक के पहले उन्होंने वो बनाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जो भी फार्म इंटेलिजेंस में या भारत एग्री जैसी जो कंपनीज हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो ये क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगा, इट टुक मी ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि ये चीज़ है ना, ऑन द इन द फार्म लैंड वी हैव टू ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर, जो लगता है 6 to 8 months। अयान, आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। मेरा इंट्यूशन है कि आपके जो कस्टमर्स है राइट इज मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, एनजीओ। सो आई थिंक द रीजन क्यारी ने पिवट किया और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इज बिकॉज आपका जो कस्टमर सेगमेंट है राइट वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेगमेंट है। कंज्यूमर में भी फार्मर, बट जो पेयर्स है वो आपका बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट इज नॉट अ गुड सेगमेंट टू बी इन। स्केल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एंड फॉर दैट रीजन आई एम। अच्छा बिजनेस बनाया आपने, 1.5 करोड़ में अगर आप 45 लाख रुपए कमा रहे हो, बुरा नहीं है, अच्छा कमा रहे हो। मेरे को लगता है कि अभी आपका बिजनेस जिस स्केल पे है उसके लिए तो बिल्कुल ये वैल्यूएशन लॉजिकली नहीं है। और दूसरा मॉडल अभी पता ही नहीं, अभी उसका तो आपने यूज केस भी नहीं पता और बना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए वहां पे मेरे लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, आई लव द सॉल्यूशन, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बनाया है, बट मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, आपके कोर कंज्यूमर है फार्मर। Yes. जहाँ अभी डिसाइफर करना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं इम्पॉसिबल है, क्योंकि फार्मर्स आज की तारीख में नहीं खरीद रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओस खरीद रही है। तो एक इन्वेस्टर के लिए फिगर आउट करना कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इस पर बेट नहीं ले पाऊंगी आपके साथ, स्पेशली एट अ 60 करोड़ वैल्यूएशन। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। 1.5 करोड़ रुपए का करेंगे क्या, इस पर क्या सोचा है आपने? Basically, a small amount will go for the working capital and the other is to build a team. Production बिठाएंगे capital के साथ? Work, yes. For now, हमारा idea is not to build our own manufacturing. इसको है ना contract manufacturing करवाएंगे। आप कह रहे हैं आपके पास order बहुत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका तो सारा काम contract manufacturing का है। पूरा नहीं, थोड़े, हाँ, yes. तो आपके पास वो order को fulfill करने से क्या रोक रहा है आपको? क्या वो सिर्फ working capital है या क्या है? Yes, working capital. आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कितना एडवांस मांगता है? जस्ट 10% ऑफ द एंटायर ऑर्डर वैल्यू। तो आपको 40 लाख रुपया चाहिए एडवांस 4 करोड़ रुपया का ऑर्डर को फुलफिल करने के। यस यस। चलो रिवर्स हो गया, मैं तो आप तो कॉस्ट पे कह रहे हो, तो हो सकता है उससे और भी कम जरूरत पड़े। यस। 15-20 लाख 30 लाख रुपया आपको चाहिए टू टेक दिस अप, टू टेक दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। इतने पैसे तो मिल जाने चाहिए आपको बैंक लोन और एनी अदर वे। और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं आप, तो आपके पास खुद का भी कैश जनरेशन है। हां, ऑफ कोर्स वही हम कर रहे हैं, रेवेन्यूज लेके आके उसी में वापस इन्वेस्ट करके वी आर डूइंग दैट। व्हाट्स द इशू? हम फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज हमें टीम साइज, जस्ट 4 पीपल। हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और सेल्स भी करते हैं, सर्विसिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू मैच द डिमांड। आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, आपको टीम की कमी है, तो आप टीम हायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा सेल्स नॉट डजंट हैपन एवरी मंथ, रिकरिंग नहीं है, तो वो रिकरिंग के लिए हमें ना एक सपोर्ट वर्किंग कैपिटल लेना पड़ेगा, जिससे टीम को है ना बैलेंस कंसिस्टेंटली सैलरी पे कर। हाँ, ताकि या मुझे लगता है यार आप बहुत अच्छे बंदे हो। ओके। एक सादगी, सीधापन, सिंसियरिटी इज वेरी हाई। या, एकदम चमक के आ रही है। वेरी ट्रू। राइट। प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस और कमर्शियल एक्यूमन। जो भी मैं कोशिश कर रहा था कहीं से आपके लिए कुछ डील बनाए, वो समझ के वो कहीं जोड़ ही नहीं आ रहा है, कहीं इसमें मिसिंग पीसेस है स्टोरी की।
और उससे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे वापस कैसे बनेंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगा. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ रहा है. ऑल्दो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. गुड लक. आई होप यू गेट अ डील एंड आई होप यू मेक दिस बिग. थैंक यू. थैंक्स अनुपम. थैंक यू. मेरा मानना है कि आप जो है प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं और आपने टेक्नोलॉजी में बहुत बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ी कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी हैं, जो बहुत अच्छी बात है. पर एक जो चीज़ आपकी थोड़ी सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि बिजनेस एक्यूमन, कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है उसको पूरी तरीके से दोनों हाथों से ले आने के लिए थोड़ा आपको मदद लगेगा. तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप ये प्रोडक्ट को और जगह तक लेकर के जाए. मेरा प्रपोजल है कि मैं आपको 75 लाख दूंगा एज इक्विटी 5% के अगेंस्ट. उसके साथ साथ मैं आपको 75 लाख दूंगा डेट पे 10% इंटरेस्ट पर 3 साल की टेन्योर के लिए है. ये जो डेट है ये क्रेडिट लाइन है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे आप ड्रॉ डाउन करिए और तब इंटरेस्ट दीजिए. जब आपको जरूरत नहीं है तब अगर आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना. थोड़ी तो खुशी दिखाओ दोस्त, आपको लग रहा था अभी डील नहीं होगी. थैंक यू. 15x रेवेन्यू का वैल्यूएशन आपको हार्डवेयर प्रोडक्ट पर, भाई साहब मैंने तो नहीं देखा. दोनों हाथ से लेना चाहिए. वेरी सरप्राइज कि ये स्टेज पे कोई बेट ले रहा है. अ डील पक्की. ऑलराइट, गुड चॉइस, वेरी गुड डिसीजन. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशंस.